हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। तो जी हां, अगर आप किसी भी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल कर एक वीडियो पर प्यार सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा के सोनीपत से 3 शराब तस्कर गिरफ्तार, पवन ऋषि और सतीश को लाया गया पटना। आदमपुर चुनाव से पहले हरियाणा में मॉडल स्कूलों को मिले 561 शिक्षक परीक्षा परिणाम घोषित। तो जी हाँ, बता रहे कि हरियाणा में आदमपुर सीट के उपचुनाव से पहले राज्य में मॉडल संस्कृति स्कूलों को 561 शिक्षक मिलेंगे। इसमें प्रिंसिपल और टीजीटी शामिल हैं। सेंटर फॉर टीचर एक्रीडेशन ने इन शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। हरियाणा के हिसार में कैप्टन अभिमन्यू का कांग्रेस पर कटाक्ष, सीएलयू गैंग को पनपने नहीं देगी प्रदेश की जनता। तो कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में एक ऐसा ग्रोह काम कर रहा है जो कांग्रेस को उभरने नहीं दे रहा है, लेकिन यह ग्रोह एनकेन प्रकरण किसी तरह प्रदेश की सत्ता में आने के जाल बुन रहा है। ऐसे ग्रोह की कार्यप्रणाली प्रदेश की जनता देख चुकी है। हरियाणा में गेहूं की बिजाई शुरू, जींद में डीएपी खाद के लिए लगने लगी लाइन, किल्लत होने की संभावना। तो हरियाणा में बरसाती सीजन लंबा चलने और जल्दी ठंड शुरू हो गई है, वही धान की रोपाई देर तक हुई है, इस वजह से धान की कटाई देरी से शुरू हुई है। ऐसे में गेहूं की बिजाई में भी देरी होगी। जैसे जैसे गेहूं की बिजाई में तेजी आएगी, डीएपी की मांग बढ़ेगी। हरियाणा में शिक्षक भर्ती होने की घोषणा के साथ ही स्टेट में बढ़ गए 117,776 कैंडिडेट। तो हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में पिछले साल के मुकाबले 117,726 स्टूडेंट पढ़ गए हैं। पिछली बार 187,000, तो इस बार 305,717 ने किया आवेदन। 3 और 4 दिसंबर को स्टेट की परीक्षा होने जा रही है। सीबीएसई ने छात्राओं के लिए शुरू की सिंगल गर्ल्स चाइल्ड छात्रवृत्ति योजना, बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो सिंगल गर्ल्स चाइल्ड योजना का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना उन मेधावी छात्रों के लिए है जो 10वीं कक्षा के बाद अपने स्वजनों की आर्थिक तंगी कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। वहीं छात्रों को 2 साल तक छात्रवृत्ति दी जाती है। दिवाली के बाद हरियाणा के 5 शहरों की हवा बेहद खराब, त्यौहार की आड़ में किसानों ने किया काम। पाबंदी के बावजूद हरियाणा में जमकर पटाखे चलाए गए, ग्रीन पटाखों को लोगों ने कम तवज्जो दी। त्यौहार की आड़ में 200 से अधिक स्थानों पर पराली जलाई गई, जिससे प्रदेश की हवा में प्रदूषण घुला। दिवाली के बाद प्रदेश के 5 शहरों की हवा बेहद खराब हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 पार पहुंचने की वजह से एक भी शहर की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अगली बड़ी खबर है हरियाणा के रेवाड़ी से। तो बेकाबू कार पेड़ से टकराई, छात्र की मौत, परिवार का एकलौता बेटा था मृतक। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के हुडा बाईपास के निकट मंगलवार को एक कार ने आगे चल रही कार को टक्कर मार दी। इससे कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर लगे पेड़ से टकरा गई। इस दौरान कार सवार छात्र की मौत हो गई। वहीं बावल रोड स्थित चांदपुर की ढाणी का रहने वाला था। मॉडल टाउन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर है हरियाणा के सोनीपत जिले से। ग्लास के नीचे रखकर चलाया पटाखा, स्टील का टुकड़ा गले में लगने से युवक की गई जान। सोनीपत के बहालगढ़ से एक ढाबे के पास ग्लास के नीचे पटाखा रखकर चलाना युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। पटाखा फटने के साथ स्टील के ग्लास का टुकड़ा युवक के गले में जा लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची बहालगढ़ थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मंत्री मनोहर खट्टर पहुंचेंगे दिल्ली, यहां पर हरियाणा भवन में पार्ट 2 कार्यकाल की गिनाएंगी उपलब्धियां। बड़ी घोषणाओं पर सभी की टिकी नज़र। तो जी हां, बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली में हरियाणा भवन पर 2:30 पर यहाँ पर बैठक करेंगे, जिससे वहीं मीडिया से भी रूबरू होंगे। तो बता दें कि सूबे में सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें बड़ी घोषणाओं पर
टिकी हुई हैं। पंचायत और आदमपुर उपचुनाव के कारण राज्य में आचार संहिता लागू होने के कारण दिल्ली में सार्वजनिक घोषणा करेंगे। हरियाणा में नजर आया सूर्य ग्रहण, कुरुक्षेत्र में लाखों लोगों ने लगाई डुबकी, श्री कृष्ण ने यहाँ गोपियां संग किया था स्नान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मंगलवार शाम 4:27 पर सूर्य ग्रहण शुरू होते ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाने उतर गए। सबसे पहले यहाँ युधिष्ठिर घाट पर नागा साधुओं ने मोक्ष की डुबकी लगाई, जिसके बाद ही श्रद्धालुओं ने यहाँ स्नान किया। सूर्य ग्रहण का स्नान शाम को 5:39 तक चला। हरियाणा से 11 शहरों के लिए फ्लाइट, 2023 में शुरू होगा एविएशन हब। हरियाणा से अब देश के 7 राज्यों के 11 प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी। हिसार में 2023 में एविएशन हब काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद से एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। गुरुग्राम में हेली हब बनाने के लिए भी राज्य की ओर से, वहीं केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि जल्दी इसकी मंजूरी मिल जाएगी। तो जी हाँ, ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन।